हेलो फ्रेंड्स, आज मैं आपको हिंदी वीडियो से कैसे इंग्लिश सबटाइटल्स ऑटोमेटिकली जनरेट कर सकते हैं कुछ ही मिनटों में बताने जा रही हूँ। सबटाइटल्स या क्लोज कैप्शन से आपका वीडियो नए व्यूअर्स तक पहुँचता है। अगर आप हिंदी में वीडियोस बनाते हैं और अगर आप सबटाइटल्स देते हैं अपनी वीडियोस में, तो वो दुनिया के उन व्यूअर्स तक भी पहुंच जाता है जो लोग हिंदी नहीं समझते हैं। इससे आपके व्यूअर्स बढ़ेंगे और व्यूज़ के साथ साथ सब्सक्राइबर भी बढ़ेंगे और आपका चैनल ग्रो करेगा। क्लोज कैप्शन या सबटाइटल्स आपका कंटेंट समझने में भी व्यूअर्स को आसानी होती है। आपका वीडियो उन व्यूअर्स तक भी पहुँचता है जो सुन नहीं पाते या जो रात को आपका वीडियो देख रहे हैं साउंड ऑफ करके। तो जैसा कि मैंने आपको कहा, क्लोज कैप्शन या सबटाइटल्स बहुत ही काम की चीज़ है। फ्रेंड्स, हम अपने YouTube वीडियो में सबटाइटल्स अपने चैनल में लॉगिन होकर YouTube स्टूडियो में जाकर मैन्युअली टाइप करते हैं। हम ज़्यादातर इंग्लिश में सबटाइटल्स डालते हैं और ये उन लोगों के लिए थोड़ा मुश्किल हो जाता है जिनकी अंग्रेजी कमज़ोर है। मैं आज आपको दो आसान तरीका करके कैसे आप हिंदी टू इंग्लिश सबटाइटल्स जनरेट कर सकते हो, वो भी कुछ ही मिनटों में बताने जा रही हूँ। फ्रेंड्स, इस तरीके से आप अपने वीडियो में किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में सबटाइटल्स जनरेट करके ऐड कर सकते हो। हमारा जो पहला स्टेप है वो है वीडियो से हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करना। मतलब आप जो वीडियो में बोल रहे हो वो ही हिंदी में लिख के आ जाए। यही हमारा सबसे इम्पॉर्टेंट स्टेप है। आगे का जो काम है वो इससे आसान है। तो हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट जनरेट करने के लिए हमें एक वेबसाइट में जाना होगा। फ्रेंड्स, एक चीज़ और मैं आपको यहाँ बता देना चाहती हूँ कि ये जो ट्रांसक्रिप्ट का काम है वो मशीन से होगा, इसलिए इसकी एक्यूरेसी 75-80% ही है, और वो भी अगर आपकी वॉइस क्लियर है तो। आइए हम अपनी वेबसाइट पे आ जाते हैं। मैं क्रोम में आ गई हूँ। यहाँ मैं उस वेबसाइट का नाम जो कि है क्वेट माई सबली, ये देखिए फ्रेंड्स, क्वेट माई सबली लिख के सर्च करते साथ ही जो पहला ऑप्शन आपको मिलेगा आपको उसे ही क्लिक करना है। फ्रेंड्स, हम सबली में आ गए हैं, हमें फ्री वर्जन पे क्लिक करना है। यहाँ पे फ्रेंड्स आपको एक अकाउंट बनाना पड़ेगा। आप अपनी जीमेल से यहाँ पे अकाउंट बना सकते हैं या फिर आप इस तरीके से एक छोटा सा फॉर्म साइन इन करके भी आप अपना अकाउंट बना सकते हैं। मैंने यहाँ पे जीमेल के थ्रू ही अकाउंट बनाया है। फ्रेंड्स, मेरा यहाँ पे अकाउंट पहले से क्रिएट है तो मैं यहाँ पे सिंपली साइन इन कर रही हूँ। फ्रेंड्स, अभी हम सबली के डैशबोर्ड में हैं। यहाँ पे आपको अपलोड पे क्लिक करना है और यहाँ आपको वो वीडियो अपलोड करना है जिसका आपको हिंदी में ट्रांसक्रिप्ट चाहिए। यहाँ देखिए फ्रेंड्स, आपको बहुत सारे लैंग्वेजेस मिल जाएंगे, जो भी आपको लैंग्वेज चाहिए। यहाँ से आप हिंदी बीटा में क्लिक करिए और अपलोड एंड ट्रांसक्रिप करिए। फ्रेंड्स, ये थोड़ा समय लेता है और आज मेरा नेट का कनेक्शन भी स्लो है, तो मैंने आपके लिए यहाँ पे पहले से ही वही सेम वीडियो अपलोड करके और ट्रांसक्रिप्ट करके रखा है। आइए उसे डाउनलोड करते हैं। ये देखिए, हमारा जो वीडियो था वो इस तरीके से ट्रांसक्रिप्ट हो गया है। आप इसे एक बार पढ़ ले, क्योंकि कभी कभी ये बिल्कुल वर्ड टू वर्ड ट्रांसक्रिप्ट करता है। फॉर एग्ज़ाम्पल, जैसे ये टाइमलाइन को, ये देखिए इसने टाइमलाइन को समय रेखा लिखा हुआ है यहाँ पे। इसको तो मैं गलती तो नहीं बोलूँगी, पर यहाँ आपको गलतियाँ मिल जाएंगी। तो इसीलिए फ्रेंड्स, आपको आपका जो ट्रांसक्रिप्ट है उसको अच्छे से पढ़ लेना है और हो सके तो जहाँ आपको चेंजेस करना है वहाँ आप ज़रूर चेंजेस कर लें। फ्रेंड्स, अगर आप वीडियो को डाउनलोड करना चाहेंगे तो आप वीडियो को भी डाउनलोड कर सकते हैं, लेकिन इस तरीके से आप अब आपके वीडियो में सबली का जो वाटरमार्क है वो आ जाएगा। तो
वो तो मैं आपको सजेस्ट नहीं करूँगी। आप इस तरीके से जो आपका ट्रांसक्रिप्ट है इसको आप अब डाउनलोड कर सकते हैं। तो डाउनलोड करने के लिए आप बैक टू डैशबोर्ड जाए और यहाँ पे TXT फाइल को ओपन करके उसे डाउनलोड कर लें। फ्रेंड्स, अब हम अपने नेक्स्ट स्टेप पर आ गए हैं। मैं आपको लेकर आई हूँ translate.google.co.in में। यहाँ आप इस डॉक्यूमेंट में क्लिक करें और अपने कंप्यूटर में जहाँ आपने वो हिंदी का ट्रांसक्रिप्ट सेव करके रखा था उस फाइल को ढूंढ कर उसको ओपन कर लें। ये देखिए, मेरा फाइल अपलोड हो गया है। अब आप इस ट्रांसलेट पर क्लिक करें। ये देखिए, हिंदी में जो ट्रांसक्रिप्ट था वो पूरा का पूरा इंग्लिश में ट्रांसलेट होके आ गया है। अब आपके पास आपका पूरा वीडियो इंग्लिश में लिखकर आ गया है, वो भी कुछ ही मिनटों में। है ना ये आसान? और ये सब आपने किया बिना कोई एप्लीकेशन या सॉफ्टवेयर को डाउनलोड करे। अब आप इस इंग्लिश ट्रांसलेशन को अपने वीडियो में एज सबटाइटल यूज़ कर सकते हैं। आप चाहे तो इसे सेव कर लीजिए एज टेक्स्ट फॉर्मेट और आप इसे अपलोड भी कर सकते हैं एज ए सबटाइटल डॉक्यूमेंट। इनफैक्ट फ्रेंड्स, आप किसी भी फॉरेन लैंग्वेज में आप सबटाइटल्स बना सकते हो। मान लीजिए आपको अगर पता है आपका वीडियो स्पेन में या चाइना में काफ़ी पॉपुलर है, तो आप अपने वीडियो को स्पेनिश लैंग्वेज में भी ट्रांसलेट कर सकते हो। ये देखिए, वो भी कुछ ही मिनटों में आपका वीडियो स्पेनिश लैंग्वेज में ट्रांसलेट होके आ गया है। इसी तरीके से अगर आप चाहते हैं आपका वीडियो आपका हिंदी का जो ट्रांसक्रिप्ट है वो चाइनीज में ट्रांसलेट हो जाए, तो ये देखिए, कुछ ही मिनटों में आपका वीडियो पूरा का पूरा इंग्लिश में सॉरी चाइनीज में ट्रांसलेट हो गया है। अब आप इसको एज ए चाइनीज सबटाइटल्स यूज़ कर सकते हैं। है ना आसान? फ्रेंड्स, आई होप आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा, और अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगा तो प्लीज़ मेरे वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें। मैं आपसे मिलती हूँ अपने नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए स्टे हेल्दी एंड सेफ। थैंक यू।